हेलो गाइज, आपको छठा क्वेश्चन टर्मिनेटिंग थे, सातवां नहीं है, आठवां टर्मिनेटिंग है। देखो आठवां में 6/15 है, तो हम इसको आप जो इसको काटिएगा, छोटा कीजिएगा, तो 3 3 2 6 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। तो इसको यहाँ 3/5 आएगा, तो ये टर्मिनेटिंग है। तो इसको देखिए, तो यहाँ पर आपको हमको 10 पुराना है, तो कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से गुना कर दीजिएगा, राइट। यानी 6 5 2 10 कितना आसान है, 0.6 आंसर आंसर हो गया। चलिए अब जो सातवां आठवां हो गया, एक जो है आपको नौवां, जो नौवां जो आपको टर्मिनेटिंग है इसी में हम बता देते हैं, नाइनवां है जो टर्मिनेटिंग है। देखिए जो नौवां क्वेश्चन जो यानी 35/50 है, यही ना। तो देखिए तो इसमें जो आप यहाँ पर हम कर चुके हैं टर्मिनेटिंग है, तो 35/50 को जो आप इसको जो फैक्टर यानी फैक्टर किए होंगे, तो 2 × 5² 50 हुआ। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ 2 तो यहाँ पर ये खेलेंगे, 5 2 है बराबर, नहीं नहीं बराबर कीजिए, यहाँ 2 के बराबर 1 से 2 और 2 से ऊपर नीचे गुना कीजिए। तो गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 35 × 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 के स्क्वायर हो जाएगा, 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 35 2 के 70 होगा, और 2 के यानी कितना हो जाएगा, 1 के पावर 100 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 है तो यानी 1 के पर 2 को 0। तो देखिए तो इसको जब आप जब इसको जब भाग दीजिएगा, तो आपको यानी 0 से 0 कट जाएगा, 7/10 यानी 0.7 आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 2 था NCERT मैथ क्लास 10th CBSE बोर्ड एंड अदर स्टेट, तो वो था, हम पूरा आपको बता चुके हैं। पूरा क्वेश्चन नंबर 2 भी इस वीडियो में कंप्लीट होता है। अब अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में हम आएंगे, जो तीन नंबर क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में लाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल ऑन कर दीजिए, ताकि आपको जितना NCERT एग्जाम्पल सहित पूरा आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहेंगे, और पूरा सॉल्यूशन के साथ। अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाए और कमेंट करें और हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको कैसा लगा वो ज़रूर आप कमेंट कर हमें बताइए। एंड थैंक्स। ओके।